स्टेप अवे फ्रॉम केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स। अब देखिए ये बात मैं मेरे हर वीडियो में बताता हूँ, वो क्यों वो छोड़िए। आज मैं आपको लाइव एग्जांपल देने वाला हूँ। ये मेरे फोटोज है, 2 या 3 वीक पहले के हैं, देख लीजिए। ये दोस्तों एक प्रोडक्ट कंपनी ने भेजा था रिव्यू के लिए, मैंने रिव्यू किया, मैंने यूज़ किया, तो इसका ये नेगेटिव इफेक्ट है। अभी भी आप देख सकते हो पिंपल्स बहुत सारे हो चुके थे और उसके दाग धब्बे हैं। अब देखिए आपको पता चल गया होगा कि केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करने से क्या रिजल्ट मिलता है। देखिए एड्स के बहकाव में आके हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जो भी रेगुलर बेस पे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। अच्छा उसमें दोस्तों पहले आपको जानना है उसमें क्या डाला जाता है और क्यों डाला जाता है और उसका साइड इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट क्या है, वो जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम जो भी रेगुलर बेस पे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो हमारे लिए सही है या नहीं, वो कैसे पता करें। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा एंड तक देखना। तो चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों होता क्या है कि हम टीवी एड्स के बहकाव में आके कुछ प्रोडक्ट्स ले आते हैं, जैसे कि फेस वॉश लिया है, क्रीम लिया है, यूज़ करते हैं, उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट होता है, वो बढ़ता जाता है, पूरी स्किन डैमेज हो जाती है। यही सबके साथ होता है, मेरे साथ भी यही हुआ था। तो मैं दोस्तों आपको हार्मफुल केमिकल्स का लिस्ट देने वाला हूँ, उसमें क्या क्या इफेक्ट होते हैं और कितने डेंजरस है हमारी स्किन के लिए। तो आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो उसके पीछे जो इंग्रेडिएंट्स लिस्ट होता है उसमें आपको चेक करना है कि उसमें ये इंग्रेडिएंट है या नहीं। अगर है तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अब मेरा भाई कोई बोलेगा कि भाई आपको केमिकल्स के बारे में इतना कैसे पता है। तो दोस्तों देखिए बाय प्रोफेशन आई एम अ केमिस्ट, तो केमिकल को इन डिटेल में आपको बता सकता हूँ कि वो कैसे बनता है, कैसे हमारे बॉडी में जाता है और कैसे वो साइड इफेक्ट करता है, नेगेटिव इफेक्ट करता है। तो देखिए सबसे पहले केमिकल इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, वो है सल्फेट। सल्फेट क्या है? अब देखिए सल्फेट दोस्तों एक एसिड और केमिकल को मिक्स करके बनाया जाता है। जो भी हम शैम्पू, फेस वॉश, सोप यूज करते हैं उसमें झाग जो बनती है वो दोस्तों सल्फेट ही है। अब देखिए जो भी आप शैम्पू यूज करते हो उसमें झाग बनेगी, आप शैम्पू डेली करते जाते हो उससे होगा क्या कि जो भी आपके बालों के कलर है, नेचुरल डाई है, ब्लैक कलर है, वो फेड अवे होता जाता है। प्री मैच्योर ग्रेइंग जो बोलते हैं वो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कम उम्र के अंदर। तो देखिए दोस्तों सल्फेट वाले प्रोडक्ट से आपको दूर रहना है, तो ये बात ध्यान रखिए प्रोडक्ट के पीछे देख लेना है सल्फेट है या नहीं। भाई ने बोला करने का तो करने का। दूसरा मोस्ट डेंजरस केमिकल है पैराबिन। आपने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिसमें देखा होगा कि सल्फेट पैराबिन फ्री, वही यूज करना है। अब देखिए पैराबिन क्या होता है? पैराबिन दोस्तों यूज किया जाता है प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ाने के लिए, उसमें जम्स ना आए, कीटाणु ना आए, वो बिगड़े ना, उसके लिए दोस्तों उसमें पैराबिन डाला जाता है ताकि वो लॉन्ग टाइम तक रहे। अब उससे होता क्या है? देखिए बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, उसे दोस्तों बोलते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन। वो दोस्तों रिलेटेड है ब्रेस्ट कैंसर से, तो ये बहुत डेंजरस है। और दोस्तों उसका दूसरा भी साइड इफेक्ट है, वो क्या है? अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा। वो दोस्तों इंटरफेयर करता है ब्रेन फंक्शंस के अंदर। तो दोस्तों पैराबिन हमारी बॉडी, स्किन सभी के लिए बहुत ही बेकार है, तो पैराबिन फ्री प्रोडक्ट यूज करना है। थर्ड है फैलेट्स। देखिए ये दोस्तों प्लास्टिसाइजिंग केमिकल है, मींस ये स्प्रेडिंग बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, मींस नेल पॉलिश में यूज किया जाता है। फिर अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लोशंस के अंदर यूज किया जाता है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर यूज किया जाता है। ये दोस्तों बहुत ही टॉक्सिक है हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए, तो जिसमें फैलेट्स है वो भी आपको यूज नहीं करना है। मेरे दोस्तों फोर्थ केमिकल है सिंथेटिक कलर्स। अब देखिए ये दोस्तों बनता है पेट्रोलियम में से या फिर कोल टार में से। अब देखिए ये क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन्स, वाटर, ये कोल टार होता है, मतलब हमारी बॉडी के लिए बहुत ही टॉक्सिक केमिकल है। अब गर्ल्स ध्यान से सुनना, जो भी पिगमेंटेड लिपस्टिक्स होती है उसमें इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। जितना हैवी पिगमेंट होता होगा उतना ज़्यादा
कोल टार जो है, जो भी केमिकल है, आपकी बॉडी में जाएगा। इससे दोस्तों स्किन इरिटेशन होता है, कैंसर भी हो सकता है और साथ साथ एक्नी ब्रेकआउट्स भी होते हैं। तो बहुत ही डेंजरस चीज़ है, पिगमेंटेड लिपस्टिक्स ये सारी चीज़ों से दूर रहे। फिफ्थ है दोस्तों फ्रेग्रेंस। अब देखिए हम जो परफ्यूम यूज़ करते हैं, शैम्पू, फेस वॉश, मॉइस्चराइज, सब में फ्रेग्रेंस होता ही है। हमने यूज़ किया, फेंक दिया, दूसरा लाया, फेंक दिया। दोस्तों कभी हमने पढ़ा कि वो कितना डेंजरस हो सकता है? इससे दोस्तों रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, स्किन एलर्जी हो सकती है और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो डैमेज हो सकती है। तो दोस्तों ये बहुत डेंजरस साइड इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है। तो दोस्तों फ्रेग्रेंस वाली चीज़ों से थोड़ा दूर रहना है, आपको केमिकल फ्री, ऑर्गेनिक, प्योर प्रोडक्ट का यूज़ करना है, माइल्ड प्रोडक्ट का यूज़ करना है। वो भी वीडियो आएगा कि हम कैसे कैसे प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, किस किस इंग्रेडिएंट से दूर रह सकते हैं। अब दोस्तों ऐसे केमिकल्स, डेंजरस केमिकल्स बहुत सारे हैं, पूरा लिस्ट आप देख सकते हो। ये सारे दोस्तों हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे हेयर के लिए बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक है, तो इसको यूज़ नहीं करना है। अब दोस्तों मुझे बोलने में बहुत बुरा लग रहा है कि हमारे इंडिया में 80-90% जो भी प्रोडक्ट्स हैं सारे सब में केमिकल है। अब देखिए 10% तो है ना, हमको वो 10% प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं और है, मैं आपको दूंगा। नेक्स्ट वीडियो इसी के बारे में आएगा, मैं आपको ऑर्गेनिक प्योर माइल्ड प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने वाला हूँ जो दोस्तों प्योर आयुर्वेदिक होंगे। तो दोस्तों ये था वीडियो हार्मफुल केमिकल्स के बारे में, जो मैंने सीखा, जो आप देख सकते हो मेरे फेस पे जो भी इफेक्ट हुआ है। दोस्तों केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट से आपको दूर रहना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वैल्यूएबल लगा, तो इसे एक लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। और दोस्तों किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपको प्रोडक्ट में क्वेरी है, तो प्लीज़ मुझे DM कीजिए या फिर कॉमेंट कर सकते हो, रिप्लाई आपको 100% मिलेगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड स्टे पॉजिटिव।